हमारे सनातन धर्म में तीन संप्रदायों का वर्णन है। वैष्णव संप्रदाय, जिसमें भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, पर 10 मुख्य अवतार माने जाते हैं। दूसरा संप्रदाय है शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय की बहुत ज्यादा मान्यता है। तीसरा है शाक्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय में 10 महाविद्याएं अर्थात महाविद्या रूपी देवियों का वर्णन है। ये महाविद्याएं माता पार्वती के 10 रूप है। कहीं कहीं 24 विद्याओं का भी वर्णन मिलता है, लेकिन विश्व के प्राचीनतम अनंगम तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याओं की साधना का उल्लेख है। बात अनंगम तंत्र की तो ये कई तांत्रिक साहित्य और हिंदू स्कूलों के ग्रंथों का संग्रह है। इसका शाब्दिक अर्थ है परंपरा या वह जो नीचे आ गया है। और अनंगम ग्रंथों ब्रह्मांड, विज्ञान, ज्ञान मीमांसा, दार्शनिक सिद्धांत, ध्यान और प्रथाओं पर उपदेश, 4 प्रकार के योग मंत्र, मंदिर निर्माण, देवता पूजा का वर्णन, यह विहित ग्रंथ तमिल और संस्कृत में है। वापस आते हैं टॉपिक पे। महाविद्या, इनके 2 कुल है। इनकी साधना 2 कुलों के रूप में की जाती है। एक कुल है श्री कुल, दूसरा कुल है काली कुल। इन दोनों में देवियों का वर्णन है। इस प्रकार 18 देवियां हो जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से 10 महाविद्याएं ही प्रचलित में हैं। शाक्त संप्रदाय की इन 10 महाविद्याओं का वर्णन हमें महाभागवत पुराण और बृहद धर्म पुराण में मिलता है। इसमें एक श्लोक है, ध्यान श्लोक। इस श्लोक में इन महाविद्याओं का वर्णन किया गया है। श्लोक है, काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, धूमावती तथा बंगला, सिद्ध विद्या च मातंगी, कमलात्मिका, एकता, 10 महाविद्या, सिद्ध विद्या, प्रकृतिता। इस श्लोक में हमें महाविद्याओं के बारे में पता चलता है, जो हैं माता काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और माता कमला। एक एक करके बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आती है माता काली। इन्हें सदैव ही कृष्ण वर्ण में दिखाया जाता है। महाभागवत के अनुसार देवी काली ही उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाले 10 महाविद्याएं बनी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर मातंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मातंग और विनीता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिए और पूछा कि तुम देवगण किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार प्रकट हुई काजल के समान कृष्णा माता काली। उनके रूप को देखें तो माता काली हमेशा उग्र रूप में दिखाई देती है। उनके 4 हाथ हैं। माता के बाएं हाथ में एक खड़ग, नीचे वाले हाथ में राक्षस का सर पकड़े हुए, और वहीं माता की दाहिनी भुजा में अभय मुद्रा और नीचे वाला हाथ वरदान अवस्था में है, और उनके चरणों में भगवान शिव लेटे हुए हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माता काली की उत्पत्ति की एक और कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें माता काली ने महिषासुर, मधुकैटभ और रक्तबीज, चंडमुंड जैसे राक्षसों का वध करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। माता काली के पश्चात 10 महाविद्याओं में आती है माता तारा। माता तारा का रूप भगवती काली के ही समान है, पर उनका रूप नीले रूप में दर्शाया गया है। माता तारा की आराधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने की, इसी वजह से माता तारा को वशिष्ठ रिद्धता भी कहा जाता है। प्रथम उन्होंने वैदिक रीति से इनकी आराधना की, पर असफल रहे। फिर उन्होंने तांत्रिक पद्धति से, जिसे चिन्नाचारा कहते हैं, से उपासना की, तब महर्षि वशिष्ठ को सिद्धि प्राप्त हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहां माता सती के नेत्र गिरे थे, यानी पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले में, इन्हें नयनतारा या तारापीठ माना गया। इनकी आराधना तांत्रिकों के बीच बहुत अधिक मानी गई है। बात करें माता के रूप की तो माता तारा भगवती काली के समान उग्र रूप वाली दर्शाई गई है। बस यहाँ पर माता जी का पेट बहुत बड़ा दर्शाया गया। तारा माता की 3 सबसे प्रसिद्ध रूप, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। जहाँ माँ काली का रूप काले रंग से वर्णित किया गया है, वहीं माँ तारा का नीले रंग के रूप में वर्णित किया गया है। तारा माता की उपासना करने वाले साधक बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाते। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें राजराजेश्वरी, षोडशी, कामाक्षी और ललिता के रूप में जानते हैं। ललिता माता भगवान शिव के नाभि से निकले कमल पर बैठी। ऐसा कहा जाता है कि माता ललिता 16 कलाओं से परिपूर्ण है। ऐसा मानते हैं कि माता सती के वस्त्र त्रिपुरा में गिरे थे, इसीलिए त्रिपुर, और यह 16 वर्ष की ही देवी हैं, इसीलिए सुंदरी कहा जाता है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी माता को पंचवक्त्र यानी कि 5 मुख वाली बताया गया है। उनके 4 दिशाओं में एक एक मुख और 5वां मुख ऊपर की तरफ है। बात करें माता के स्वरूप की तो माता षोडशी की 4 भुजाएं और इनको श्री विद्या भी माना जाता है। अगली महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भुवन और ईश्वरी, जिसका अर्थ है दुनिया की देवी या ब्रह्मांड की रानी। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में वर्णित है कि गौर वर्ण की देवी हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी को सौम्य मुस्कान के साथ दर्शाया गया है।
उनके हाथों में पान, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से सुशोभित हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर माता भुवनेश्वरी की आराधना की। माता भुवनेश्वरी ने प्रसन्न हो दुर्गम के अत्याचार से मुक्त कराया। अगली माता है माता छिन्नमस्ता, जिन्हें छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। पौराणिक कथा में वर्णन आता है कि एक बार माता अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान हेतु गई। स्नान के बाद भूख से पीड़ित हो उनकी सहचरियों ने उनसे भोजन मांगा। देवी ने कहा कुछ समय प्रतीक्षा करो। सहचरियों ने पुनः कहा, माता ने पुनः कहा प्रतीक्षा करो। सहचरियों ने विनम्र भाव, माता तो अपने शिशुओं को अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। इसके पश्चात माता ने अपने खड़ग से अपना सिर काट दिया, जिससे तीन रक्त की धारा निकली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो धारा जया और विजया और एक धारा स्वयं माता पान कर रही है। उनके पैरों के नीचे कामदेव और रति को संभोग करते हुए दर्शाया गया है। इसके पश्चात ही देवी के इस स्वरूप को छिन्नमस्तिका रूप कहा गया। इसके पश्चात अगली महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी जैसे आदि रूपों का वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में इनका वर्णन मिलता है कि ये लाल वस्त्र धारण करती हैं, इनकी आंखें लाल हैं और इनका उग्र रूप दिखाया गया है। कहा जाता है इनमें हजारों सूर्यों की जितनी शक्ति है। यह मुंड माला धारण करती हैं और जैसे त्रिदेवों में भगवान शिव को विध्वंसक माना जाता है, वैसे ही माता त्रिपुर भैरवी को विध्वंसक कहा जाता है। इनके हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए कमल पुष्प पर आसीन है। मुंडमाला तंत्र के अनुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नरसिंह की अभिन्न शक्ति भी बताया गया। अगली महाविद्या है धूमावती। इन्हें विधवा माता भी कहा जाता है। इनका रंग धुएं के समान और यह कौवे की सवारी करती है। पौराणिक कथा है कि जब माता सती प्रजापति दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि द्वारा जलकर स्वयं को भस्म कर लेती, तब उससे जो धुआं निकलता है उससे उत्पन्न होती है माता धूमावती, जिन्हें माता सती का भौतिक स्वरूप मानते हैं। एक और कथा का वर्णन मिलता है। माता पार्वती कैलाश पर भगवान शिव से अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए कहती है। जब बार बार कहने पर महादेव ने कुछ नहीं किया, तब उन्होंने महादेव को ही निगल लिया। उस समय उनके शरीर से जो धूम राशि निकली, यह देख भगवान शिव ने उनसे कहा, आपकी सुंदर छवि धुएं से ढक जाने के कारण आप धूमावती कहलाएंगी। माता धूमावती चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली विधवा काक ध्वजा रथ पर आरुण हाथों में रूप धारण किए हुए दिखाई देती। हमारी अगली महाविद्या है बंगला मुखी। बंगला का अर्थ है लगाम लगाना। बंगला मुखी को आमतौर पर उत्तर भारत में पीताम्बरी के रूप में जाना जाता है। पीले रंग के वस्त्र और पीले भिन्न भिन्न रत्नों से सुसज्जित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है ये देवी। स्वतंत्र तंत्र में जुड़ी कथा का वर्णन मिलता है कि सतयुग में जब सब कुछ नष्ट करने वाला एक तूफान आया, तब प्राणियों पर संकट का निवारण करने हेतु भगवान महाविष्णु चिंतित हुए और उन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिंद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप किया। तब श्री विद्या ने सरोवर से बंगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ये भगवान विष्णु के तेज से युक्त हैं, इसलिए इन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप, शांति, भोग से मोक्ष की प्राप्ति के लिए किए जाता है। सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने बंगला माता की उपासना की। उनके पश्चात भगवान विष्णु तीसरे उपासक बने परशुराम, और परशुराम जी ने यह विद्या आचार्य द्रोण को दी थी। अगली महाविद्या है माता मातंगी। भगवान शिव का एक नाम है मातंग, उन्हीं की शक्ति है मातंगी। एक पौराणिक कथा आती है, मतंग मुनि ने भगवती की कठोर तपस्या की, तब देवी के नेत्र से एक तेजवान श्यामल वर्ण की नारी उत्पन्न हुई। इन्हें ही राजमातंगी कहा। इनकी उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि के लिए की जाती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि वाक सिद्धि क्या है, तो आइए जानते हैं। वह सिद्धि दृढ़ता की एक रहस्यमयी शक्ति है जो सच बोलने के लंबे अभ्यास से आती है। इसे समझें तो किसी को सच बोलने की आदत हो तो वह किसी व्यक्ति को जो आशीर्वाद देगा वह सच हो जाएगा। इसलिए लोग सिद्ध ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके पास वाक सिद्धि होती है। टॉपिक पे आते हैं। दुर्गा सप्तशती के सातवें अध्याय में माता मातंगी के बारे में कहा गया कि माता रथ में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। इनका रूप श्याम वर्ण है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा, गले में कलहर पुष्प की माला और वीणा बजाती दर्शाई गई है। माता मातंगी को तांत्रिक सरस्वती का रूप भी मानते हैं। अगली महाविद्या और आखिरी है माता कमला। इन्हें कमलात्मिका के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी का तांत्रिक रूप माना जाता है। इन्हें देवी आदि पराशक्ति का अंतिम
रूप भी माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में इनका वर्णन मिलता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। तब समुद्र मंथन से देवी प्रकट हुई। इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में चयन किया। देवी कमला की कांति स्वर्ण के समान है। कहते हैं चार सफेद हाथी अपनी सूंड में चार स्वर्ण कलश लेकर माता को जल अर्पण करते हुए दर्शाए गए हैं। माता की दो भुजाएं अभय और वर मुद्रा में, दाहिनी दो भुजाओं में कमल पुष्प है। देवी कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह हुआ 10 महाविद्याओं का वर्णन। अब बात करें शास्त्र संप्रदाय में वर्णित 10 महाविद्याओं की, तो वैष्णव संप्रदाय में प्रमुख 10 अवतारों का और शिव संप्रदाय में भी भगवान शिव के 10 रुद्र अवतारों का वर्णन है। टोडल तंत्र के अध्याय 10 में महाविद्याओं को दशावतार विष्णु अवतारों के साथ जोड़ा गया है, जैसे माता काली को कृष्णा से, माता तारा को मत्स्य अवतार से, त्रिपुर सुंदरी को परशुराम से, भुवनेश्वरी को वामन अवतार से, भैरवी को बलराम से, छिन्नमस्ता को नरसिंह से, और धूमावती को वराह, बंगलामुखी को कूर्म अवतार से, माता मातंगी को राम जी से, माता कमला को बुद्ध से, और गुह्यति गुह्य तंत्र महाविद्याओं को दशावतारों के साथ कुछ अलग ढंग से जोड़ता है और कहता है कि महाविद्या ही वह स्रोत है जहाँ से विष्णु के अवतार उत्पन्न होते हैं। इसमें माता काली को कृष्ण से, माता तारा को राम जी से, त्रिपुर सुंदरी को कल्की से, भुवनेश्वरी को वराह अवतार से, भैरवी को नरसिंह से, छिन्नमस्ता को परशुराम से, धूमावती को वामन से, बंगलामुखी को कूर्म से, मातंगी को बुद्ध से, माता कमला को मत्स्य अवतार से जोड़ा गया है। तो यह थी 10 महाविद्याएं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।